अदालत की पढ़ाई कर चुकी मायावती ने राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग के दूसरे सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है। 2007 के बाद मायावती ने ब्राह्मणों को फिर से दाना डाल दिया है और अपनी फौज में ब्राह्मणों को एंट्री भी दे दी है। तो अगर मायावती के मुताबिक ब्राह्मण अगर बहन जी के साथ चला गया तो क्या बीजेपी के लिए यूपी के रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, ये जानेंगे आज जनता से और जानेंगे कि उनके दिल में क्या है। आइए मेरे साथ। मायावती जिन्हें दलित चिंतक कहा जाता था, अब वो दलित चिंतक के होने के साथ साथ ब्राह्मण चिंतक हो चली हैं। ब्राह्मण चिंतक तो मेरा ख्याल है कि आज तक मिश्रा जी कोई पार्टी वाले नहीं ब्राह्मणों के, ये बीजेपी है कि नहीं है कोई नहीं है बता रहा हूँ। न कांग्रेस है, न बीजेपी है, न समाजवादी है, न बहुजन है, कोई पार्टी नहीं मेरे समझ में है। ये सारे लोग जो हैं अब तक जो मैं देखा हूँ कि एक दिन की सारे लोग दूल्हन बनाते हैं ब्राह्मण को, अपनी अर्धांगनी आज तक किसी पार्टी वालों ने बनाया नहीं। ये मायावती तो अर्धांगनी बनाने की कोशिश कर रही है, 25 फीसदी ब्राह्मणों का नाम इसमें शामिल है। नहीं नहीं कभी नहीं, ये खाली दिखावटी है। अरे जातिगत समीकरण सही बैठ गया है तो क्या बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान होगा क्या? क्योंकि बसपा का वोट ज्यादा है और ब्राह्मण भी झूम को वोट करेगा बसपा को। ब्राह्मण झूम के वोट करेगा बसपा को? बसपा को ब्राह्मण झूम के बसपा को वोट करेगा क्या? 100% करेगा। ब्राह्मण डिवाइड हो जाएगा बीजेपी और बसपा में? बिल्कुल, क्योंकि कुछ ब्राह्मण बसपा में भी है, कुछ ब्राह्मण सपा में भी है और कुछ ब्राह्मण बीजेपी में भी है। बीजेपी वाले तो बीजेपी रहेंगे और सपा और बसपा वाले ये दोनों मिल जाएंगे। मायावती के इस फैसले का क्या असर होगा बीजेपी पर? क्या असर होगा? बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा। 70 सीट हम लोग पा रहे हैं, यूपी में गठबंधन को 70 सीट मिल रही है। ब्राह्मण कटकर मायावती की ओर आएंगे? कुछ नहीं आएंगे, सब वही बीजेपी का वोट है और रहेगा। क्या कहेंगे, ये जातिगत समीकरण अगर फिट बैठ गया तो बीजेपी के लिए नुकसान होगा क्या यूपी में? नुकसान होगा, सपा और बसपा जो गठबंधन नुकसान होगा। अच्छा। जो सपा और बसपा गठबंधन हुआ है इसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा, आने वाला समय बताएगा। ब्राह्मण वोट जो है क्या मायावती के 25% ब्राह्मणों को प्रत्याशी बनाने के बाद अब इनकी तरफ आ जाएगा? आ जाएगा, पक्की बात। गठबंधन को फायदा होगा क्या? कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस जीतेगी, अब मोदी की छुट्टी होगी। मोदी जी तो कहते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। मोदी झूठ बोल रहे हैं? मोदी ऐसा झूठा तो पृथ्वी पैदा ही नहीं हुआ ना होगा। बताइए ताऊ, कह रहे हैं मोदी झूठ बोलते हैं? अरे मोदी सही बोलते हैं। ये तो बोल रहे हैं झूठ बोलते हैं? मोदी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। झूठा के जंगल में जाकर बम गिराया, कहा 350 मर गए। कहाँ था 350 मर गए? कहा मोदी वहाँ बैठ कर गिन रहे थे, अमित शाह बैठ कर गिन रहे थे। आज बता रहे हैं 250, तो क्या 250 उन्होंने गिना? ये सब अनुमान लगा रहे हैं, ये सब अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। राष्ट्र पर राजनीति नहीं करेंगे सर, गलत बात है। आप क्या कहेंगे, मायावती के इस फैसले से कोई फायदा होगा नहीं फायदा होगा बीएसपी को या फिर गठबंधन को? उससे गठबंधन को फायदा होना चाहिए, अब जनता है क्या इसका रिजल्ट देती है पता नहीं। गठबंधन कहेंगे अब जितने ब्राह्मण है अब मायावती को वोट देंगे? अब हम ब्राह्मणों की बात करते ही नहीं, हम मायावती को कौन देगा? 38 सीटों में से मायावती ने 25% ब्राह्मणों को प्रत्याशी तय कर दिया है, लगभग तय हो चुके हैं। किसको जाएगा वोट? क्या मायावती के लिए बड़ा फायदा हो जाएगा? फायदा होगा जी, फायदा होगा बिल्कुल। किस तरह से फायदा होगा? आधी वोट तो कम से कम ब्राह्मणों के लिए ही जाएगी मायावती, और उसे बीजेपी की टूटेंगी भी, जब भी वोट घटेगी बीजेपी की घटेगी। बीजेपी को नुकसान होगा? बीजेपी को नुकसान होगा। किस तरह से नुकसान होगा? क्योंकि उसका वोट घटेगा, पिछली बार तो आंधी थी उसमें सब बह गए, अजीत सिंह भी बह गए। अब आंधी है कि नहीं आंधी? आंधी तो खत्म होगी, बताओ। अब तो आंधी गठबंधन की चलेगी, देख लेना। जो ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचा है मायावती ने, इससे बीजेपी का वोट कटेगा क्या? बीजेपी का कोई खास नहीं कटेगा बेटा, बिल्कुल नहीं कटेगा, बहुत थोड़ा सा जागा। मुजफ्फरनगर में आरएलडी का बड़ा बोलबाला है, समाजवादी पार्टी और बसपा और आरएलडी का गठबंधन हो गया है। हाँ। क्या होगा? देखो जी सुनो, वहाँ तो अजीत सिंह को समर्थन दिया जाएगा। और आप किसको दोगे? हम तो देखो बात सुनो, जाट है हम तो, देना तो पड़ेगा अजीत सिंह को। पड़ेगा कि खुद खुद के दिल में है देने के लिए? समर्थन करेंगे पूरा का पूरा जोड़ तोड़ से बीजेपी का, लेकिन वोट देंगे अजीत सिंह को? हाँ। इस बार 19 के चुनावों में जात पर क्या धर्म भारी पड़ जाएगा क्या? नहीं, अब कैंडिडेट पर जाएगा मारे तो भाई। सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन में अगर जाट आरएलडी के साथ चला गया, हाँ, है, हाँ। ब्राह्मण जो है मायावती जिस हिसाब से रणनीति बना रही है सतीश चंद मिश्रा को पूरी तरीके से छूट दे करके ब्राह्मणों को खींचने के लिए, क्या बीजेपी जो है बीजेपी को टक्कर मिल जाएगी मायावती से? टक्कर मिलेगी। मुजफ्फरनगर में कौन सी आंधी चल रही है? गठबंधन की।
गठबंधन के आने चलेगी। मायावती ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया है, 2007 में भी चला था, 207 सीटें भी लेकर के आई थी, अब क्या होगा? अब भाई गठबंधन को फायदा होगा, हमारे हिसाब से तो गठबंधन को होना चाहिए। तो ब्राह्मण वोट कटेगा बीजेपी का, मायावती की ओर खिसकेगा क्या? खिसकेगा जी। यहाँ से वहाँ तक आज हमको सौभाग्य से मुजफ्फरनगर के किसान लखनऊ में मिल गए, उनके दिल का हाल हमने बता दिया। आप आगे जानेंगे और आगे लोगों से बात करेंगे कि क्या होने वाला, आइए मेरे साथ। क्या बीजेपी का वोट बैंक थोड़ा थोड़ा मायावती की तरफ खिंच के आएगा? बिल्कुल आएगा मैडम। पिछड़ा समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, दलित मायावती के साथ है ही, मुसलमान जो जीतेगा उसकी तरफ भागेगा। तो इधर उधर जो 25% मायावती ने अपने ब्राह्मणों कैंडिडेटों को जो प्रत्याशी बना दिया है, इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, इसका असर बहुत पड़ेगा। विपक्षी कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए कहा जाता है कि ये लोग जातिगत समीकरण पर चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार 2019 के चुनाव में जाति जीतेगी कि धर्म जीतेगा? भाई ये लोग जो जाति वाली जो पॉलिटिक्स करते हैं तो थोड़ा सा तो बेनिफिट जाति का मिलता है, क्योंकि ये उनके मतलब की बात कर देते हैं, कभी आरक्षण वाली बात कर देते हैं, कभी मुस्लिम आरक्षण की बात कर देते हैं, तो इस टाइप से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है। सत्य है देश का। बिल्कुल, मायावती ने अपने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा, क्या बीजेपी के वोट कटेंगे? शहर में देखिए वोटर से अगर आप एडवाइस लेते हैं तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन गाँव में जो मेन वोटिंग होती है वो वहाँ होती है, और वहाँ ये चीज बहुत मैटर। बीजेपी को तो शहरी पार्टी कहा जाता है, ठप्पा लगा है बीजेपी पर शहरी पार्टी होने का। वो मैं आपको यही तो चीज कह रहा हूँ कि जो आपके अपने अजीज हैं जब वो चुनाव में खड़े होते हैं तो आप उस समय पार्टी को ना देख के उस आदमी को देखते हैं जो आदमी कल को जरूरत पड़ने पे आपके काम आए। तो इस बार क्या होगा, क्या मायावती की ओर बीजेपी का ब्राह्मण वोट कट कराएगा? वो कुछ परसेंटेज जैसे हर बार होता है। मायावती ने जो पत्ता फेंका है इसका बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी का निगेटिव पड़ेगा ना, उसका वोट मतलब कटेगा ना। कहा जाता है कि बीजेपी के साथ ब्राह्मण वोट रहते हैं, लेकिन अब मायावती ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर दी है, 25% लोगों को प्रत्याशी बनाकर, ब्राह्मण लोगों को प्रत्याशी बनाकर, इसका क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मायावती केंद्र सरकार में कोई विकल्प नहीं है। आपको बात करना तो एक बार कांग्रेस की फिल्म के लिए, मायावती सपा बसपा कोई प्रधानमंत्री बनने जा नहीं रहा, वोटर बहुत समझदार है। विपक्षी कहते हैं कि गठबंधन से तो बीजेपी डरती है, डर रही है, घबरा रही है। नहीं, ये कहने से क्या होता है, विपक्षी तो क्या कुछ भी कहते हैं, उसका फर्क क्या पड़ता है, मतदाता यहाँ का बड़ा समझदार है। मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, इसका गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा नेताजी? ब्राह्मण कार्ड कहाँ, अभी हमें तो पता नहीं कहाँ लड़ाया है। सतीश चंद्र मिश्रा की लीडरशिप में चुनाव लड़े जाएंगे, हम इस पर आप समाजवादी पार्टी पूछिए, हम समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी बात करेंगे। तो गठबंधन में आ गए, गठबंधन है, गठबंधन जीतेगा 80-80। पिछड़ा समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, दलित मायावती के साथ है ही, है मुसलमान जिधर देखेगा जीतता हुआ उसकी तरफ भाग जाएगा। नहीं, समाजवादी लेकिन पार्टी साथ रहेगा। लेकिन ब्राह्मण क्या मायावती की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा, मोदी हराना है तो जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग मायावती के साथ गठबंधन से खुश है कि नहीं? खुश है 100%। देखिए विधायक जी हैं, ये है पार्टी के, सब खुश हैं। मायावती ने 2007 में भी ऐसा ही ब्राह्मण कार्ड चला था, 207 सीटों से जीत भी दर्ज की थी, अब क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गाँव के अंदर आक्रोश है, जो गरीबों में आक्रोश है, उनके सबकी जनभावना का ये गठबंधन है, ये किसी जाति का गठबंधन नहीं है। ब्राह्मण वोट कट कर मायावती की ओर जाएगा क्या? 85% वोट तो गठबंधन में जाबे ही करे, ओकरे बाद फॉरवर्ड जो कैंडिडेट हैं वो भी अपने जात का वोट लेके आएंगे। 2017 में क्यों हार गए थे फिर अखिलेश यादव, विकास नहीं कर पाए थे? ब्राह्मण वोट मायावती की ओर आएगा क्या? आ भी सकता है, आएगा। क्या असर पड़ेगा इसका चुनावों में, कैसा असर पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक? सकारात्मक कह सकते हैं। किसके लिए सकारात्मक? ये गठबंधन के लिए हो सकता है। गठबंधन को मजबूती मिलेगी मायावती के इस फैसले से? यस। मायावती ने इस बार फिर 2007 की तरह ब्राह्मण कार्ड चल दिया है, सिंपल सी बात। क्या असर पड़ेगा? सिंपल सी बात है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सीधे ये जो भी ये टूल खेला जा रहा है ये सब वोट बैंक की राजनीति है, नो डाउट। वोट बैंक की राजनीति हर कोई करता है, बिल्कुल सब कोई करता है, बस तरीका अपना अलग अलग होता है। तो इनका तरीका कामयाब होगा नहीं होगा? इनका हमें नहीं लगता कामयाब होगा, बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस में नई नई शामिल हुई सावित्री बाई फूले जी हमारे साथ है, किस बात की नाराजगी थी बीजेपी से? मैं तो कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी ये दलितों की पार्टी नहीं, पिछड़ों की पार्टी नहीं, ये गरीबों की पार्टी नहीं, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। अभी मायावती ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी है जिसमें से 25% ब्राह्मण है, क्या बीजेपी को नुकसान होगा क्या इसका?
मैं तो कहती हूँ कि भारत में पहला प्रधानमंत्री ऐसा देखा गया, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। हमने जनता से जानने की कोशिश की कि मायावती के इस ब्राह्मण कार्ड का, सोशल इंजीनियरिंग का लोगों के ऊपर क्या असर है और इसका 2019 के चुनाव और यूपी के इलेक्शन में क्या असर पड़ेगा। यार जनता ने दिल खोलकर बता दिया। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहे कटिंग चाय, आइए मेरे साथ।